हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये न्यूज़पेपर एक लेकर बिछा लिया है, जिससे कि जो भी इसमें गंदा हो वो उससे हमारा फर्श खराब ना हो। फ्रेंड्स, वैसे तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी वे में लगा बताना, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे काट लिया है। और सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगाएंगे, गोंद लगाएंगे। ये ग्लू लगाने के बाद ये हमारे पास ग्लिटर है, इसको हम इस पे डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से उठा के और सब तरफ स्प्रेड कर लेंगे। जिससे कि ये सब जगह अच्छे से चिपक जाएगा। और अब हम इसको सूखने के लिए रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाएगा, फिर मेरे पास एक ये हीट गन है। अगर आपके पास हीट गन ना हो तो कोई बात नहीं, आप जो घर में हेयर ड्रायर होता है उससे भी यही चीज कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। और ये एक बटर पेपर है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, एक कैंडल, जो भी आपको डेकोरेट करनी हो वो। और इस तरह से इसको रख दें। और इसके ऊपर जो हमारे पास ये बटर पेपर है इसको हम ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। इसको ऐसे हम हीट करेंगे। थोड़ा सा हीट हो जाए फिर रोक दें, फिर एक दो सेकंड के बाद फिर से इसको हल्की हीट दें। बस ये हमारा हो गया है। हमें मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे। ये हमारा कैंडल कितना सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा हमारे ये ऊपर ज्यादा हो गया, तो इसको हम कैंची से काट देंगे। काटने के बाद थोड़ा सा और हल्का सा ताकि के इसमें सेट हो जाए, बस इतना ही काफी है। इसे जरूर बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स, जिससे कि जो भी मेरे नए अपलोड्स आएंगे वीडियोस के वो सबसे पहले आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इसी तरह से हमें किसी को गिफ्ट देना हो या फिर घर में डेकोरेशन के लिए भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये कैंडल जलाए बिना ही इतनी शाइन कर रही है, ये देखिए। तो इसको चाहे तो आप गिफ्ट के लिए बना सकते हैं या किसी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं, या फिर इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।